नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल का पार्ट टू यानी दूसरा पंचवर्षीय का पहला साल पूरा किया। आज पूरे एक साल हो गए और उन्होंने घोषणा पत्र भी अपनी जारी किया है। हमने या मैं समझता हूं दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस महामारी के समय जहां पूरा देश लॉकडाउन है, लोग गरीब मजदूर सड़कों पे मर रहे हैं, उस समय राजनीतिक और अपना पीठ थपथपाना कोई यदि कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। आज बेशर्म की तरह बेशर्म की तरह फिर से मन की बात में मोदी जी कह रहे हैं कि समूचा विश्व ने घुटने टेक दिए कोरोना वायरस को लेके, लेकिन भारत डटा है। भारत डटा है, बड़ा हंसी आया इस उसको सुन के। अरे मोदी जी, भारत डटा नहीं, भारत झुका है और भारत को झुकाने का काम आपने किया है। आपने भारत के नागरिकों को मारने का काम आपने किया है, गरीब मजदूरों को मारने का काम आपने किया है, हमारे देश के नागरिक रोड पे पैदल चल चल के पैर में मोटे मोटे छाले, उनके चमड़ियां निकल गई, इसका श्रेय आपको जाता है। आपको जेपी नड्डा साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या घोषणा पत्र लेके आए हैं आज मीडिया के बीच में बेशर्म की तरह? ऐसा कौन सा तीर मार दिया भाई? कौन सा देश का काम काज चल रहा है जो आप घोषणा पत्र लेके आज बेशर्म की तरह बैठ गए मीडिया के बीच में? ऐसा कौन सा जंग जीत लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जरा बताएंगे? क्या गरीब मजदूरों को मार के ये जंग जीत लिया है? गरीब मजदूरों को बेरोजगार बना के जंग जीत लिया है? देश की अर्थव्यवस्था चौपट करके जंग जीत लिया है? क्या भारत डटा हुआ है? बड़ा आश्चर्य लगता है भाई इनके तो। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, छोटे मियां सुभान अल्लाह, इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वैसे ही हैं। ऐसा लगता है किसी के पास कुछ है ही नहीं, जो मन में आया चले आते हैं टीवी चैनल पे आलतू फालतू की बकवास करने। आज के दिन में कौन सा ऐसा जरूरत था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपनी उपलब्धि गिनाने का? क्या ये उपलब्धि में लिखा कि हमने इस एक साल के अंदर पूरे देश के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था एनआरसी के खिलाफ, सीएए के खिलाफ और एनपीआर के खिलाफ? यह भी क्या आपने घोषणा पत्र में क्यों नहीं कहा कि पूरे देश की जनता रोड पे आ गई थी? यह भी बोलना चाहिए ना। यह भी बोलना चाहिए था कि आसाम के अंदर 19 लाख आदमी की नागरिकता हमने ली थी, हमने, यह देना चाहिए था। यह क्यों नहीं दिया आपने? यह क्यों नहीं दिया कि पीएनबी घोटाला हुआ था हमारे शासनकाल में, हमने जो घोटालेबाज थे देश के उन सब के लोन ऋण माफ कर दिए, यह भी घोषणा पत्र में देना चाहिए था ना।
यह भी घोषणा पत्र में देना चाहिए था कि हमारे मोदी जी ने 2 करोड़ प्रत्येक साल नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था जो हम विफल हो गए। यह भी घोषणा पत्र में आज देना चाहिए था कि विदेश से हम काला धन 100 दिन के अंदर लाएंगे जिसमें हम विफल हो गए। यह भी घोषणा पत्र में देना चाहिए था कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों की आय हम दुगुनी कर देंगे जिसमें हम विफल हो गए। यह भी देना चाहिए था। यह सब चीजें नहीं बोलनी थी। यह भी देना चाहिए था कि देश की रेलवे हमारी आन बान शान है जिसको हमने बेचने का एक रिकॉर्ड कायम किया है। एयरपोर्ट को बेचा, अपनी उपलब्धि में यह सब भी देना चाहिए। LIC को बेचा, बैंक को बेचा, लाल किले को बेचा, एयरपोर्ट को बेचा, भारत पेट्रोलियम बेचा, यह सब उपलब्धियां क्यों नहीं देश की जनता को बताते अपने घोषणा पत्र के अंदर? ये उपलब्धियां जरूरी हैं कि आपके शासन काल में देश की कौन कौन सी संपत्ति को आपने प्राइवेट हाथों में दिया है। जिस लाल किले से खड़ा होकर 15 अगस्त के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, उस लाल किला को गिरवी रखने का काम आपने किया। ये उपलब्धि नहीं बतानी चाहिए। ऐसी उपलब्धियां बतानी चाहिए कि आपने कौन कौन से महान कार्य इस समय में किए हैं। आज देश का एक एक कारखाना बंद है, यह उपलब्धि नहीं बताओगे? यह भी उपलब्धि बतानी चाहिए। गजब हाल है भाई। बेशर्मी का ताज पहन के बैठ गए हो सत्ता में। 56 साल कांग्रेस ने शासन किया, एक भी चीज को गिरवी नहीं रखा, एक भी चीज को, न भारत पेट्रोलियम गिरवी रखा, न एयरपोर्ट गिरवी रखा, न रेलवे को गिरवी रखा, न लाल किले को गिरवी रखा, न बैंक को गिरवी रखा, न LIC को गिरवी रखा। लेकिन 6 साल के शासन काल में एयरपोर्ट को गिरवी रखा, लाल किले को गिरवी रखा, रेलवे को गिरवी रखा, LIC को गिरवी रखा और विदेश बैंक का 75,000 करोड़ रुपया वो भी लिया। 48 गुना विदेशी बैंक का भारत के ऊपर कर्जा बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी। ये क्यों नहीं इस घोषणा पत्र में दिया है? ये भी देना चाहिए ना। आखिर डॉलर के मुकाबले रुपया कितना हमारा कमजोर हुआ है इस 6 साल के अंदर, जो मोदी जी कहते थे अपने शासन काल के अंदर के कांग्रेस के टाइम में कि रुपया एक देश की ताकत है। रुपया कमजोर मतलब देश कमजोर। तो सबसे ज्यादा 70 साल के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा रुपया की कीमत कमजोर हुआ है नरेंद्र मोदी की सरकार में। तो देश की साख बढ़ी या घटी ये क्यों नहीं बोले आप? ये JP नड्डा जी आपको बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोले? आपने क्यों नहीं कहा कि हमने जो लॉकडाउन किया, लोग पैदल चल रहे हैं रोड के ऊपर। दरभंगा की एक लड़की गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर हमारे शासन काल में देखो हमने कैसा शासन चलाया कि एक लड़की को अपने बाप को लाने के लिए जाना पड़ा और वो साइकिल से एक हफ्ते में दरभंगा लौटी। ये भी अपने घोषणा पत्र में देते ना। और देखो उसके नाम से हमने डाक टिकट चलाया है, कितना बड़ा तीर मारा है। ये देना चाहिए था। बेगूसराय का एक व्यक्ति बनारस में भूख प्यास से मर गया, यह भी देना चाहिए था। मुजफ्फरपुर में प्लेटफार्म पे एक महिला मर गई भूख प्यास से रेलवे में, यह भी घोषणा पत्र में देना चाहिए था।
क्यों शर्म आ रही थी ये सब चीजें देने के लिए, बेशरम की तरह लेके किताब लेके पहुंच गए कि हमने ये उपलब्धि कराई। ये उपलब्धि कौन गिनवाएगा, ये भी उपलब्धि गिनवानी चाहिए ना। देश एक बात याद कर लो, आज कहोगे तो स्टाम्प पेपर पे मार के दे दूंगा कि जब मोदी 4 साल अभी और हैं, लेकिन इस 4 साल में जो भारत देश कंगला होगा या हो गया है, वो आने वाले 50 साल में भी भारत संभलेगा नहीं। खुल के कह रहा हूं, 50 साल में भी नहीं संभलेगा, क्योंकि गोबर दिमाग में भरा हो तो देश कभी नहीं चलेगा। हिंदू मुसलमान दिमाग में भरा हो तो देश कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। यही देश नहीं, दुनिया की किसी भी मुल्क की बात कर रहा हूं, जिस देश में, जिस देश के राजा के दिमाग में नफरत भरी हो, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई दुनिया का मुल्क हो। राजा का काम है पूरे प्रजा को, हर एक जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके चलना, लेकिन वो नरेंद्र मोदी में गुण नहीं है। गुजरात का 2002 का दंगा 1.5 महीने तक होता रह गया और मोदी जी डेली जश्न मनाते रह गए। मैंने उसी दिन मोदी के चाल चलित्र सभी चीज को भाप लिया था कि ये व्यक्ति देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा और बहुत बड़ा घातक व्यक्ति है, और आज इसका प्रमाण भी आपको, इस देश की जनता को मिल चुका है कि देखो गरीब मजदूर भूख प्यास से पैदल चल के मर रहे हैं, लेकिन एक भी लफ्ज, 20 लाख करोड़ की घोषणा करी, लेकिन यह नहीं कहा नरेंद्र मोदी जी ने कि जितने भी गरीब मजदूर हैं वो वहीं पे रहे इस लॉकडाउन के अंदर, उनके खाने पीने का जितना खा सके वो, उसकी व्यवस्था हम करेंगे, हम करेंगे। ये सरकार यदि घोषणा कर देती तो आज जो 1,60,000 आदमी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, ये नहीं आते। 1,60,000 की 1,70,000 हो गया आज, ये नहीं होता। अगर मोदी जी ने लॉकडाउन करने से पहले एक सप्ताह के लिए सारी रेलगाड़ियों को मुफ्त कर देते और बोलते कि सब आदमी अपने अपने घरों को चले जाइए, तो ये कोरोना वायरस का फैलावा और ये 10-15 दिन में लॉकडाउन में ये सब चीजें खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, गोबर देश के प्रधानमंत्री के दिमाग में गोबर है, गोबर गोबर भरा हुआ है अमित शाह के दिमाग में, भारतीय जनता पार्टी के एक, तो ये चीजें समझनी पड़ेगी हम लोग को। बड़ा आश्चर्य लगा, मुझे तो लगा कि फील करने आएंगे आज जेपी नड्डा जी और प्रधानमंत्री जी, लेकिन नहीं, अपनी पीठ थपथपाने आ गए। तो आप समझ लीजिए कैसा आपने प्रधानमंत्री चुना है। कल भी मैंने एक बात कही थी, मैंने क्या कही थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कही, कीड़े मकोड़े देश के नागरिक को भारतीय जनता पार्टी के लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं, कीड़े मकोड़े रेंगने वाले, पिल्लू समझते हैं ना, पिल्लू वो समझते हैं, क्योंकि पिल्लू की तरह ही लोग आज पैदल चल रहे हैं, ऐसे ऐसे रेंग रेंग के। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग शाम को जश्न मनाते हैं, ऐश मौज लेते हैं, थोड़ा सा देखते हो किसी के चेहरे पे थोड़ी भी उदासी इस देश के जनता के प्रति, थोड़ा सा भी, इतना खुश होकर ये टीवी चैनल के ऊपर बैठते हैं जैसे कि इन्होंने कोई जंग जीत ली हो। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, चेताराम, मां भगवती, मां जगदम्बे, मां दुर्गा, आपसे लास्ट में यही कहूंगा कि हे माता, देश के नागरिकों पे तरस खाना, इन पे अपनी कृपा बनाए रखना। अब ऐसे सड़े गले प्रधानमंत्री से कोई आस नहीं है। जय हिंद।